कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की क्लास में। आज हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। आपकी बुक है स्वरज्ञान, उसमें हम पेज नंबर 11 रीड करेंगे। कल हमने पेज नंबर 10 रीड किया था, आज हम पेज नंबर 11 रीड करेंगे। इसमें क्या है? आ की मात्रा वाले दो अक्षर, तीन अक्षर व चार अक्षर वाले शब्द। अब आपको इन्हें पढ़ना लिखना आ गया है, सो आज हम इनकी रीडिंग करेंगे। देखिए क्या है, एक छोटा सा स्टैंजा दिया हुआ है। क्या है उसका नाम? बछड़ा। क्या है उसका नाम? बछड़ा। गाय का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? बछड़ा। देखिए पिक्चर भी बनी हुई है आपकी बुक में, और देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैम ने लिखा भी हुआ है। सी एट द बोर्ड नाउ, रीड कीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पढ़िए पढ़िए। यह है, यह है, यह यस एक, यह एक। देखिए जैसे ही ग के साथ आ की मात्रा लगी तो आप इसको क्या बोलेंगे? गा य गाय, गाय। यह एक गाय, यस यह एक गाय। आगे पढ़िए, अगला अगली लाइन पढ़िए, देखिए नेक्स्ट लाइन। गाय का लाल बछड़ा, यस। जहां पे भी आप आ की मात्रा देख रहे हैं आप उसको कैसे बोलेंगे? गा ला ला, बिग माउथ ओपन हो रहा है ना, देखिए आ। तो इस तरह से जैसे ही जहां पे आ की मात्रा होगी आ बोलेंगे, गा का ला ड़ा। अब बोलिए इसको पूरा बनाइए, बोलिए गाय का लाल बछड़ा। यस एब्सोल्युटली राइट, गाय का लाल बछड़ा। जहां पे आ की मात्रा है वहां हमने कैसे बोला? ड़ा आ। नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए, बछड़ा घास खास, बछड़ा बछड़ा घास खाएगा। यस, जैसे ही जहां पे आ की मात्रा हमने क्या बोला? खा ए गा खाएगा, बछड़ा घास खाएगा। क्या खाएगा बछड़ा? क्या खाएगा बछड़ा? घास घास। नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए, ह रा हरा, चा रा चारा, खा ए गा खाएगा। बोलिए अब इस लाइन को भी, बोलिए बोलिए। हरा चारा खाएगा, यस हरा चारा खाएगा। सभी बोलिए, मंताज, महीम, रहमत, प्रियांश, बोला कीजिए, रीडिंग किया कीजिए साथ साथ। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, अच्छी बात नहीं है ना ये, आप बोलेंगे तो सीखेंगे ना। सभी बोला कीजिए जैसे ही मैम बोलते हैं, रीडिंग किया कीजिए। देखिए नेक्स्ट लाइन रीड कीजिए, दीवांशी बोलिए, बोलिए दाना खाएगा खाएगा, बोलिए खाएगा, यस दाना खाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन देखिए, दाना दाना, दाना खाकर खाकर हल हल चलाएगा। यस देखिए जहां पे ल को आ की मात्रा थी हमने बोला ला ए गा चलाएगा, दाना खाकर हल चलाएगा। आपने भी ऐसे रीड करना है, दाना खाकर हल चलाएगा। लास्ट लाइन करिए रीड, हल हल चलाकर चलाकर हल चलाकर घर जाएगा आएगा आएगा आएगा, हल चलाकर घर आएगा, हल चलाकर घर आएगा। अब एक बार क्विक रीडिंग कीजिए, मैम सिर्फ स्टिक मूव करेंगे, बोलिए यह है, यह एक गाय, यस गाय का लाल बछड़ा, बछड़ा घास खाएगा, बछड़ा घास खाएगा, हरा चारा खाएगा, वेरी गुड, दाना खाएगा, दाना खाकर हल चलाएगा।
लास्ट लाइन रीड कीजिए। हल चलाकर घर आएगा। यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। सो नाउ वी विल डू रिटन वर्क ऑन पेज नंबर 25 इन योर हिंदी वर्कबुक 4। नाउ ओपन पेज नंबर 25, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स लुक एट द पेज नंबर 25 इन योर हिंदी वर्कबुक 4। फर्स्ट वी विल रीड, देखिए क्या लिखा हुआ है। आ की मात्रा से शब्द पूरे करो। क्या करना है हमें इस पेज में, कुछ शब्द दिए गए हैं, दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले। हमने इन शब्दों में आ की मात्रा को लगाना है और इन शब्दों को पूरा करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा शब्द है, रद। लगाइए अब इसमें आ की मात्रा कैसे लगेगी, र, र को आ की मात्रा रा, ध, ध में भी लगाएंगे हम आ की मात्रा धा, क्या बन गया, राधा। क्या बन गया ये, राधा। अगला शब्द देखिए अश, अश, अश लगाइए इसमें भी आ की मात्रा, अ, अ को आ की मात्रा आ, श, श में भी लगा दी हमने आ की मात्रा, क्या बन गया, शा, आशा। कौन सा शब्द बन गया ये आ की मात्रा लगा के, आशा। देखिए अगला शब्द गजर, कहाँ लगाएंगे हम इसमें आ की मात्रा, ग के साथ, ग, ग को आ की मात्रा गा, ज, र, गाजर। कौन सा शब्द बनाया हमने आ की मात्रा का, गाजर। नेक्स्ट अगला शब्द समन, लगाइए आ की मात्रा, किसके साथ लगाएंगे हम, स के साथ आ की मात्रा सा, म के साथ आ की मात्रा मा, न, सामान। क्या शब्द बन गया ये आ की मात्रा का, सामान। देखिए अगला शब्द भगवन, कहाँ लगाएंगे हम इसमें आ की मात्रा, व के साथ, भ, ग, व, व में आ की मात्रा वा, न, भगवान। कौन सा शब्द बन गया ये आ की मात्रा का, भगवान। मूव ऑन नेक्स्ट, शरत, देखिए कहाँ लगेगी आ की मात्रा, श, र में आ की मात्रा रा, र, त, क्या बन गया ये, शरारत। इस तरह से देखिए बनेगा ये आ की मात्रा का अगला शब्द, शरारत। लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा शब्द है, बरसत। अब इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे स के साथ, ब, र, स, स को आ की मात्रा सा, त, बरसात। आपने भी इसी तरह से लगाना है आ की मात्रा को इन शब्दों के साथ, और आपने टू टाइम्स लिखना है। वन टाइम देखिए क्लास वर्क है, सेकेंड लाइन होमवर्क है, आपने टू टाइम्स लिखना है सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। और जैसे ही आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं इसकी पिक्चर्स मैम को सेंड किया कीजिए। इसी से पता चलेगा ना मैम को कि आप वर्क कर रहे हैं या नहीं, तो पिक्स जरूर सेंड किया कीजिए। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।